नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। गढ़वा सदर अस्पताल के होमगार्ड के साथ मारपीट करने वाला हुआ गिरफ्तार, क्या है मामला आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या है मामला? मामला यही कि सदर अस्पताल ड्यूटी में हम लोग गृह रक्षक ड्यूटी कर रहे हैं, जो कि आज पौने दस साढ़े दस बजे के लमसम में चार नंबर ओपीडी में ड्यूटी में मतलब अपना गेट पर थे। तो किसी पंडित मतलब उनका नाम हमको पता नहीं है, कोई पंडित जी हैं जो कि अपना बिन लाइन के ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए जा रहे थे। उसी बीच में डॉक्टर के पास तीन चार आदमी मतलब भर्ती था, हमको उनको रुके कि भैया पाँच मिनट के बाद आप जाइएगा। उन्होंने बोला कि तू का है गेट पर, का तू हमको समझ रहा है, उसी करके कलर पकड़ लिए और भाई ज़बरदस्ती हमको खींच के बाहर अति करके मोबाइल से मार कर हमको माथा फोड़ दिए। इसके बाद उनको बोले कि भैया आप बाहर हो जाए, आपको नहीं दिखाने देंगे। उसी में हमको मतलब तड़ंग भड़ंग करने लगे तो और गार्ड लोग आए, तो उन लोग को मतलब बाहर किया गया। उसके बाद थाना वाला आया, थाना वाला पकड़ के उसको थाना ले गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ द्वारिकानाथ दुबे। किस पोस्ट पे हैं? हम झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव हुए। बताइए कैसे क्या हुआ? आज जवानों के कथनानुसार मेरा जवान जो है सदर अस्पताल गढ़वा में प्रतिनियुक्त थे और ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी में जवानों के साथ जो जवान ड्यूटी में थे वो लाइन लगा करके क्रमबद्ध मरीजों को डॉक्टर के पास भेजा करते थे। वे आए और जवान के साथ बात जबरदस्ती जाने के लिए रूम में प्रवेश करने के लिए बाध्य हुए। जवान मुझे मेरा जवानों ने रोका, जब रोका तो उस पर हुए मोबाइल के द्वारा प्रहार किए और अन्य जवान को जब मालूम हुआ हल्ला गुला हुआ शोर मचाए हुए सुन करके और जवानों ने आया उन पर भी हाथ उठाया। तब तक थाने के लोग आए और उनको पकड़ करके थाने ले। आप लोग क्या चाहते हैं? जिसमें कि जवान का माथा फटा हुआ हमारे साथ जो वर्दी पर हाथ उठाए हैं ये वर्दी का मानहानि है, उन पर मुकदमा होना चाहिए। धन्यवाद।